हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो प्रॉपर्टीज़ आपके पास जो हम मैंने आपको बताया वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे आपके पास, ठीक है। इजीली आपके पास एनसीईआरटी की बुक आप ढूंढेंगे तो पास, ठीक। उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, तो वो मैंने एक्सप्लेन इसलिए क्योंकि आपके पास वो आपके पास है ना आपके बुक में, इसलिए मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए उनको डिराइव करते हुए आपको है ना बताई हैं। उसके अलावा भी कुछ अन्य आपके पास अदर्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट देखो। जैसे फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स वाई, तो वैसे ही साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी है, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी। एक जैसे फॉर्मूले होने वाले हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास, ठीक है। तो आप वो जो 11th में साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ना उसकी मदद से निकाला आपके पास ये ईजिली। आप ना आप कहीं से भी आप उस फॉर्मूले को आप डेरिवेशन देख सकते हो, ठीक। पर मैं कुछ अदर प्रॉपर्टीज है तो मैंने आपको उनको बता दिया आपके पास। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, तो ये साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस स्क्वायर, तो कन एक दूसरे के आपके पास आ रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा तो यहाँ पर भी प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और अगर यहाँ पर अगर मैं वाई के स्थान पर एक्स रख देता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स मतलब टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनेगा, और इसमें भी चेंज हो जाएगा, वाई के स्थान पर एक्स हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा टू एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स की भी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे देखो ठीक उल्टा है, यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, पर कॉस के केस में हमेशा उल्टा होता है, प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ पे कहा जाएगा प्लस। और अगर एक्स वाई के स्थान पर एक्स रख दिया जाए तो इधर हो जाएगा टू कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो रहा था वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके वाई के स्थान पर एक्स रखने पर ये भी वन माइनस स्क्वायर, तो रूट से रूट हट जाएगा, बच जाएगा माइनस वन और माइनस वन का प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर कितना बच रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको किताब में नहीं है पर आपके पास है ना, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो आपके पास, ठीक है। तो सिंपली जैसे हमने टेन इनवर्स के लिए निकाला ना, जो मैंने मेथड वो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला था, कि इसको इक्वल टू ए मान लिया, इसको इक्वल टू बी मान लिया, तब तो उसके हिसाब से किया गया आपके पास, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला मिलेगा। साइन जैसे वहाँ पर ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का मैंने बताया था, उसी हिसाब से ये प्रॉपर्टीज़ निकली हैं आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ जो रह गई थी आपके पास, जो भले ही बुक में नहीं पर आपको आ जानी चाहिए, बस आगे कंपटीशन के लिए भी आपके पास यूज़ हो जाएगा बस, ठीक। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके पास होता है सब्स्टिट्यूशंस, प्रतिस्थापन, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन, अब हम ये जो प्रतिस्थापन है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके पास केवल यही नहीं, आगे जब हम है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वहाँ पर भी यूज़ होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो पहला आपके पास है, अगर आपके पास प्रश्न अपने क्वेश्चनों के दौरान आपके पास कैसे टर्म आया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले पद है, अगर इस प्रकार का टर्म आपके पास यूज़ हो रहा है किसी क्वेश्चन में, आपके पास इस प्रकार का टर्म आपके पास यूज़ हुआ, तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट। अब मुझे मालूम है कि वन माइनस साइन स्क्वायर और वन माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए यहाँ पर रख दिया जाएगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, कुछ भी रखे दोनों। तो ये आगे आपके पास देखना, आपके पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी इनका, इन प्रतिस्थापनों का यूज़ होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास होगा। इसी प्रकार अगर आपके पास होता ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन की ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस केस में सब्स्टिट्यूट किया जाए, थोड़ा ध्यान देना, वन प्लस टेन स्क्वायर का भी फॉर्मूला है और वन प्लस कॉट स्क्वायर का भी फॉर्मूला, तो इस हिसाब से रखा जाएगा। आपने टेंथ के जो फॉर्मूला पढ़े ना उसके आधार पर कॉन्स्टेंट माइनस, जैसे आपके पास पढ़ा था वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो इनके फॉर्मूले से उसके आधार पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक। ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, और लास्ट सब्स्टिट्यूशन होगा जब आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस केस में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा।
इनकी मदद से हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सरल करेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो कुछ जो प्रॉपर्टी रहेगी वो मैंने आपको बताई, और साथ में कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं आगे प्रश्नों में वो आपको बताइए, केवल इसी चैप्टर में नहीं आगे भी आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपके पास, तो ये आपके पास है। अब हम इन जो प्रॉपर्टीज़ होने पड़े हैं उस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पास, ठीक। अब ज़रा क्वेश्चन की ओर ध्यान देना आपके पास, आपको इस फंक्शन को, ये जो आपके पास दिया हुआ है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए देखूँगा सॉल्यूशन में, तो जो दिया हुआ आपके पास हुआ है साइन इनवर्स 2x√1 − x², इसको सरलतम फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप देखो इस फंक्शन में रूट के अंदर है 1 − x², तो मैंने आपको प्रतिस्थापन में क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर a² − x² का पद है, तो इस प्रकार का अगर टर्म आपके पास है तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, x बराबर या तो a साइन थीटा रख सकते हैं या a कॉस थीटा रख सकते हैं, तो ये इस पर आपके पास डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान है 1, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, ये आपको बताया गया आपके पास, ठीक। तो यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट किया, पुट x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा केवल साइन थीटा, मैंने क्या रख दिया साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये सब्स्टिट्यूशन के दौरान हम करेंगे क्या, इसको सरलतम रूप में लिखना होगा, तो हम जैसे ये साइन इनवर्स बाहर से है ना, तो जो इनवर्स फंक्शन बाहर होगा वही फंक्शन क्या बनाएंगे, इसके अंदर भी बनाने वाले आपके पास। अगर साइन है तो अंदर साइन, बाहर कॉस हो तो क्या बाहर भी बनता, अंदर भी क्या बनता, कॉस बनाने की कोशिश करनी है आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास है, तो देखिए आपके पास इस प्रकार से आपके पास हमको ये करना है आपके पास। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स बराबर साइन थीटा, तो मैंने यहाँ रखा आपके पास, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 sin θ और √1 − sin²θ। अब मुझे मालूम है कि 1 − sin² क्या होता है, 2 sin θ, ये होता है 1 − sin² मतलब cos², और रूट के कारण क्या हो जाएगा केवल cos θ। अब आपको मालूम है 10th 12th में फॉर्मूला हमने पढ़ा है 11th में कि sin²θ इक्वल टू 2 sin θ इंटू cos θ, जो कि मुझे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ हो रहा है साइन 2θ। अब देखिए जो फंक्शन यहाँ इनवर्स फंक्शन है वही अंदर का बन गया है मेन फंक्शन के रूप में, तो इस प्रकार से बस केवल क्या बच रहा है 2θ, और इसका सरलतम रूप आपके पास हो गया 2θ। अब सब्स्टिट्यूशन जो क्या उसमें देखो आपके पास ये है, अगर फंक्शन साइन के अनुसार थीटा का प्रतिबिंब एक्स है, तो उसके इनवर्स फंक्शन के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या रहा होगा थीटा, तो थीटा मुझे मिला है, तो ये हो जाएगा 2 sin inverse x। तो ये आपके पास हो गया, ये जो फंक्शन था साइन इनवर्स 2x√1 − x², ये इसके ये अपने किस में आ गया, सरलतम रूप में, और सरलतम रूप क्या है 2 sin inverse x। तो दो तीन चीज़ों का ध्यान देना आपके पास कि जो इनवर्स फंक्शन आपके पास बाहर से है वही क्या बनाएंगे, अंदर भी बनाने वाला आपके पास, ठीक है। तो जो आपके पास अंदर बनने के पास, अब थोड़ा सा ध्यान आपके पास आता है कि भाई इस एक्स का क्या महत्व है, −1/√2 से 1/√2 लिया गया है, दोनों मान शामिल हैं, ठीक। तो इस केस में आपके पास देखिए ये जो एक्स है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो 1 − x² को हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होने के लिए अनिवार्य रूप से एक्स का मान क्या है, इसके बीच का होना चाहिए। अगर इससे बड़ा आपके पास, इससे छोटा इससे बड़ा होना, तो इसने पॉजिटिव साइड कर नेगेटिव हो जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि जब भी सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन में दो चीज़ों का ध्यान देना, एक तो क्या है ये सरलतम रूप में हो जाए, ये इजीली क्या हो जाए आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, और इसका ध्यान देना कि जो इनवर्स फंक्शन बाहर बनाए वही क्या बने, अंदर मेन फंक्शन के रूप में आ जाए आपके पास। जैसे यहाँ पर आपके पास था, तो इजीली हमारे पास ये इस प्रकार से हो गया आपके पास, ठीक। तो इस टाइम पर आपके पास प्राप्त हो रहा है 2 sin inverse x। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके पास चेंज करके ऐसे भी आता, तो उस टाइम पर अगर ये वैल्यूज 1/√2 से 1 के बीच में होती, तो उस टाइम पर हम साइन की जगह पर कॉस का मान रखते, क्योंकि उसके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस टाइम पर आंसर आपके पास 2 cos inverse x भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार से मैं ना क्वेश्चन जब आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, तो दो चीज़ों का ध्यान देना, एक तो प्रतिस्थापन करते हुए वो सरल हो जाना चाहिए इस प्रकार से कि जो इनवर्स फंक्शन बाहर बनाए वही क्या बन जाए, अंदर भी प्राप्त हो जाए आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास पहला एग्जाम्पल, इसके आगे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो अब दूसरे एग्जाम्पल का जो आपके पास है उसके दो भाग हैं, आपको करना इनको भी वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। वैल्यूज़ कैसे निकालनी है आपके पास, ठीक। तो पहला आपके पास भाग देखो सॉल्यूशन में, पहला भाग आपके पास है साइन
इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास फॉर्मूला, आपको प्रॉपर्टी बताई गई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू। तो ये मान यहाँ रहेंगे तो जाएगा साइन, और ये कितना हो गया पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू कितनी होती है 1। सिंपल है, सिंपल से क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आएगा, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में आते हैं। दूसरा आपके पास है साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाई फोर, ये इस प्रकार से आपके पास है। ठीक, तो हम जनरली करते क्या है कि हमने देखा भाई बाहर से इनवर्स फंक्शन है और अंदर क्या आ रहा है मेन फंक्शन, तो हम सीधे सीधे करते हैं कि गॉ फॉ की प्रॉब्लम साइन से साइन हट जाएगा, केवल बचेगा 5 पाई बाई 4 पाई बाई 5। पर ये क्या है उसकी मुख्य शाखा जो कि माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू टू है उसमें सम्मिलित नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट लगा देता आपके पास कि भाई गॉ फॉग के अनुसार इनवर्स से यह इस ये दोनों ये जी है ये एफ है, तो दोनों एक्स का प्रतिबिंब एक्स प्राप्त होने से, पर हमने पढ़ा है कि उसको अनिवार्य रूप से मुख्य शाखा में भी होना है, तो ये मुख्य शाखा में तो था नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें फंक्शन लगाते हुए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 4 पाई बाई 5 को। ठीक, तो मैंने लिखा कि साइन, आपको मालूम है कि जो आपके पास पाई माइनस थीटा होता है वो इक्वल टू कहता है साइन थीटा ही प्राप्त, इसका यूज़ करने वाला मेरे पास, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको मैंने लिख दिया साइन और पाई माइनस, अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये इसको मैं किस प्रकार से लिखूं कि ये क्या हो जाए 4 पाई बाई पाई की मदद से, क्योंकि मुझे पॉजिटिव साइन ही चाहिए और साइन हमेशा दूसरे चतुर्थांश यानी पाई माइनस थीटा में ही पॉजिटिव होता है, अन्य में पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा उन सब में क्या आता है ऋणात्मक, तो मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसलिए लूँगा पाई माइनस। अब थोड़ा ध्यान देना, ये हो गया आपके पास, क्योंकि ये आपके पास है ये, तो मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई फाइव, लिख सकते हैं, देखिए लिखा जा सकता है, ये अभी भी सॉल्व करें तो 5 पाई माइनस पाई मतलब 4 पाई बाई 4, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, और ये इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स, अब हो गया साइन पाई बाई फाइव, ये इस प्रकार से। ठीक, तो ये 5 पाई बाई 5 आ रहा है, तो इस केस में जब सब साइन साइन होते मिलेगा पाई बाई फाइव, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो अनिवार्य रूप से जो ये वैल्यूज़ हो उसके मुख्य शाखा में होना चाहिए, अगर मुख्य शाखा में नहीं है तो आपके पास हम कहेंगे कि आपके पास वो उसका मुख्य वो मतलब आपके पास क्या है उसके मुख्य मान नहीं कहलाएगा आपके पास। ठीक, हम अनिवार्य रूप से कोशिश करेंगे कि मुख्य मान शाखा में ही आए आपके पास। ठीक, तो मैंने इस प्रकार से इसको मुख्य मान शाखा में निकाला, जो कि कह रहा है 5 पाई बाई 5 आपके पास आ रहा है, जो कि इसके मध्य भी प्राप्त हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन सिंपल ही है, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज़ करना है, वैसे इसमें तो आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी का यूज़ भी नहीं है, तो सीधे आपके पास क्या हो रहा है जो हमने शुरू में मुख्य शाखा बताई थी उस पर आधारित आपके पास है। ठीक, अगला जो आपके पास मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास, देखो उसमें दिखा टेन इनवर्स ये दिया हुआ है, इफ़ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई टू है, तो सिद्ध करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, बस ये प्रूव करना है। ठीक, तो वैसे आपके पास बताऊँ आप साइड भी देखोगे तो आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का भी फॉर्मूला है, जो कि होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। तो फॉर्मूला है आपके पास, पर मैं उस फॉर्मूले का यूज़ ना करते हुए जो आपके पास बेसिक फॉर्मूला भी इस प्रॉपर्टी आपके पास इस चैप्टर में मिले हैं उन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ। देखो आपके पास किस प्रकार से, तो जो ज्ञात है आपके पास वो है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू होता है पाई बाई टू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों भागों में फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, आपको मालूम है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है आपके पास ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला जो इसमें अप्लाई हो तो आपके पास सीधे मिलेगा पहले भाग में, पहले दोनों भागों में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और आपके पास देखो क्या प्राप्त हो रहा है, और प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई टू, ये इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जब पहले दो भागों में फॉर्मूला था तो ये इस प्रकार से मिला, और ये इक्वल टू पाई बाई टू हमको दे दिया आपके पास। ठीक, तो हम क्या करेंगे मान अब इसमें दोबारा यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा एक्स ये हो जाएगा वाई, तो इसमें जब दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला तो जाएगा टेन इनवर्स, अब थोड़ा ध्यान देना एक्स के स्थान पर आना है ये, यानी
एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस, ये तो एक्स हो गया, फिर वाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, जेड होल अपॉन यहाँ हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान पे यही एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू पाई बाय टू। अब अगर टेन इनवर्स के अनुसार इस अवयव का प्रतिबिंब ये था तो मेन फंक्शन टेन के अनुसार क्या हो गया, टेन के अनुसार क्या पाई बाई टू का मान ये होना चाहिए, यानी बस हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस जेड होल अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू हो रहा है टेन पाई बाय टू, और टेन पाई बाय टू का मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपके पास लिखो साइन पाई बाय टू अपॉन वन, वन अपॉन मतलब वन अपॉन जीरो भी लिखा जा सकता है। ध्यान देना बस, ये टेन पाई बाय टू को मैं लिखता हूँ साइन पाई बाय टू अपॉन कॉस पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू का मान वन और इसका मान कहते हैं जीरो, तो ये जो भाग है ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले भाग से और ये मल्टीप्लाई होगा वन से, तो देखो आगे क्या होता है आपके पास, तो हमें ये प्राप्त हुआ है। जब सिंप्लीफाई करो मेरे पास देखो तो ये मल्टीप्लाई इधर ये मल्टीप्लाई इधर होगा, तो आपके पास बचेगा केवल वन माइनस ये वाला भाग वन से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू जीरो, ये प्राप्त हो रहा है जब सिंप्लीफाई, ठीक है। तब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम में जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, और जब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करें तो ये वन माइनस एक्स वाई इधर जाएगा एलसीएम इधर गुणा हो जाएगा जीरो से, आपके पास बच रहा है वन माइनस एक्स वाई, ये गुणा होगा तो माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू जीरो, और सिंप्लीफाई करने पर आपके पास प्राप्त हो जा रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू वन, और आपको करना है यही सिद्ध करना है आपके पास, ठीक है। तो जो हमारे पास भले ही उसका इसमें आपके पास फॉर्मूला आपके पास कहीं किताब में मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का, पर मैंने वो ना यूज़ करते हुए डायरेक्ट आपके पास जो आपको फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड उसका यूज़ किया है, ईजिली उससे भी आपके पास क्या जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व आपके पास जा रहा है आपके पास, ठीक। तो आगे मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो होंगे आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके पास, जो कि आपके पास है 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपको सिद्ध करना है कि ये इक्वल टू क्या है ये, ठीक है। तो मैं उसको प्रूफ कर रहा हूँ आपके पास, देखिए तो जो आर एच एस है वो आपके पास है, आर एच एस से शुरुआत करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास आर एच एस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब जो मैंने सब्सटीट्यूशन बताया वो तो आपको उससे वो तो यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा है आपके पास, क्योंकि वहाँ पर क्या था ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर वो है नहीं आपके पास, ठीक। तो हम क्या करेंगे अब आगे करना हमको तो प्रतिस्थापन सही है, पर करने की विधि जो आपके पास होने वाली है उसको थोड़ा ध्यान देना आपके पास, ये इलेवंथ के जो फॉर्मूले ना उन पर आधारित होने वाले आपके पास है, इसलिए इलेवंथ के फॉर्मूले मैंने आपको अलग से लिखवा दिया आपके पास, ठीक। तो देखिए आपके पास सबसे पहले ये जो आपके पास है ये साइन इनवर्स, तो हम प्रतिस्थापन कुछ ऐसा करेंगे कि अंदर के बन जाए साइन ही बन जाए, तो इलेवंथ के फॉर्मूले के अनुसार मैंने यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया पोड एक्स बराबर साइन थीटा, क्या रख दिया साइन थीटा। अगर एक्स बराबर साइन थीटा है तो इसके इनवर्स के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या रहा, यहाँ पर तो साइन के अनुसार थीटा का प्रतिबिंब एक्स है, तो अब इनवर्स फंक्शन के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या होगा थीटा, ये बाद में हमको वापस करनी है वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ मैंने प्रतिस्थापित कर दिया साइन थीटा, तो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। तो आपको पता चल रहा है कि जब मैंने प्रतिस्थापन किया तो ये कोई फॉर्मूला बन गया है, याद है आपके पास फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है कि फोर जब आपके पास साइन थ्री थीटा का यूज़ किया जाता है तो साइन थ्री थीटा इक्वल टू होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये हमने इलेवंथ में पढ़ा है, तो इसके अनुसार हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन थ्री थीटा। तो प्रतिस्थापन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो सरल हो जाए, तो सरलतम रूप में के लिए क्या करेंगे, जैसे जो इनवर्स फंक्शन बाहर है वही मेन फंक्शन के रूप में अंदर बनने वाला है, तो ये गॉफ वाली प्रॉपर्टी के अनुसार क्या प्राप्त होगा केवल थ्री थीटा, और बाद में थ्री थीटा का मान रख दें तो जाएगा थ्री साइन इनवर्स एक्स आपके पास, ठीक है। तो सिंपल से आपके पास प्रॉपर्टी आपके पास है, उसको प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके आधार पर मैंने आपके पास बताया, देखो ये फॉर्मूला इलेवंथ का है तो इसलिए आपको इलेवंथ के फॉर्मूले भी आ जाने चाहिए आपके पास, ठीक।
तो ये था आपके पास एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, तो जो कि आपके पास इजीली। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके पास कॉस वाला है, पर कॉस में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या पता आपके पास कॉस वाला जो केस है वो थोड़ा अलग हो जाए आपके पास, ठीक है। उसमें कहीं पर माइनस कॉमन लेना पड़े, कुछ भी आपके पास, ठीक है। तो वैसे आपके पास वो नॉर्मली फॉर्मूले, पर आपको इलेवंथ के फॉर्मूले आने चाहिए। जब इलेवंथ के फॉर्मूले आएंगे तब जाके आप मैंने इसमें क्वेश्चनों को सरलतम रूप में लिख पाएंगे, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास था, ठीक। अब जो तीसरा क्वेश्चन आपके पास है वो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी बताया आपके पास, वो जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला वो यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, तो जो एल एच एस है वो आपके पास है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, ये इक्वल टू प्रूफ करना है टेन इनवर्स 1/2। तो सिंपल सा आपने फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - xy। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला बार बार लिखने का फ़ायदा ही आपके पास है, आप भले आपको उस टाइम पर लिखते हुए आपके पास याद नहीं भी हो, तो जब इसको बार बार आप लिखते जाओगे ना तो आपको याद होता जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला आपको जब आप जहाँ पर जो अप्लाई करो फॉर्मूला वो आप है ना लिखते जाएँ तो आपके पास इजीली वो आपको याद हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करना हमें यहाँ एक्स के स्थान पर 2/11 और वाई के स्थान पर 7/24 है, तो बस थोड़ा ध्यान देना फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई, तो एक्स है 2/11 प्लस वाई है 7/24 अपॉन 1 - x, मतलब 2/11 इंटू 7/24। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास हो रहा है, ठीक। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम जब लिया जाएगा तो ये आपके पास सारा आपके पास ये तो हो जाएगा 48 + 77 अपॉन, ये जब एलसीएम ले रहे तो ये हो रहा है 264 होल अपॉन, वैसे कटने के लिए यहाँ पर कट रहा है पर मैं ऐसा ना काट के ना लेके आपके पास ये सीधे आपके पास कर रहा हूँ, तो हो जा रहा है 1 - 14/264। तो आपके पास मिल रहा है टेन इनवर्स, देखिए ये जब जुड़ जाएगा आपके पास तो आपके पास आ रहा है 125/264 अपॉन, ये भी एलसीएम जाएगा तो 264 होगा और -14 करेंगे तो 250 अपॉन होल अपॉन, ठीक अपॉन 264। तो 264 से 264 कैंसिल, कितना बच रहा है टेन इनवर्स 125/250 जो कि कुछ और नहीं क्या है टेन इनवर्स 1/2। तो क्वेश्चन आपके पास सिंपली है, आप चाहे तो आपको इजीली इसको कर भी सकते हो आपके पास, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन आपके पास, में ज़्यादा कुछ आपके पास है नहीं आपके पास, ठीक। तो बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं वो याद होनी चाहिए। और मैंने कहा कि प्रश्न के दौरान प्रॉपर्टीज़ लिखते जाओगे तो आपको धीरे धीरे वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे याद होती जाएंगी, तो ईजिली आप ना आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होंगे तो आप उस क्वेश्चनों को भी नहीं कर पाओगे आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास था उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास, ठीक। अभी ये आपके पास एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन है, तो देखिए आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इस फंक्शन को टेन इनवर्स 1 - तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, आपके पास है टेन इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन एक्स, तो ये आपके पास था। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी a² + x² वाला पद होगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं x = a tan थीटा या cot थीटा, तो यहाँ पर मिल रहा है आपके पास, मिल रहा है ना, ये a² मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम पुट, और tan इनवर्स है तो अंदर क्या बनाने की कोशिश करना है tan, तो ये आपके पास यहाँ रख देंगे x = tan थीटा, या आप वापस करोगे तो वापस के टाइम पे हो जाएगा θ = tan इनवर्स x, ये हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी बाद में, ठीक है। तो ध्यान देना टेन इनवर्स तो हम अंदर बनाएंगे टेन, और सब्स्टिट्यूशन के दौरान थोड़ा सा ध्यान देना कि इस प्रकार के पद होंगे तो वहाँ पर या तो टेन थीटा दे कॉट दे, मैंने टेन रख दिया बस, ठीक इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 + tan²θ - 1 अपॉन टेन थीटा, ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो टेन इनवर्स जब सिंप्लीफाई करो तो 1 + tan² क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है sec², तो sec² θ आ रहा था और रूट साइड होता है sec θ - 1 / tan θ। जब मैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो टेन इनवर्स देखिए आपके पास ये हो जाएगा 1 / cos θ
माइनस वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कुछ ऐसा हो रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक। तो जब सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास प्राप्त हुआ टेन इनवर्स। ये एलसीएम जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, कॉस से कॉस थीटा तो आपके पास हो रहा है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई अभी भी ये टेन इनवर्स है पर टेन के पदों में नहीं आया है, पर हमको क्या करना है उसको टेन के पदों में निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से टेन है तो अंदर भी क्या पड़ेगा, टेन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो आपके पास, तो मुझे ये प्राप्त हुआ आपके पास, ठीक है। तो आपके पास हम इसको टेन में चेंज करेंगे, उसके लिए हमारे पास कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा के फॉर्मूले का यूज़ करने वाला। देखो तो आपको मालूम है साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तो ये तो इसका यूज़ यहाँ नीचे वाले में होगा टू थीटा के लिए है, सॉरी आप इसको टू थीटा के असर में पर कन्फ्यूज़न ना हो, मैंने कहा टू ए तो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, हाफ में हो गया टू ए, तो यहाँ उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक। ऐसी प्रकार से कॉस टू थीटा के फॉर्मूले बहुत सारे हैं आपके पास। इसका फॉर्मूला था टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और आपके पास जो मेन फॉर्मूला था वो था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला, तो मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वही मैं आप लेना रहा हूँ। मैं इस इन दोनों का यूज़ करते हुए लिखता हूँ टू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, बल्कि इसका नहीं क्योंकि वन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इसका और इसका यूज़ करता हूँ मैं आपके पास, ठीक है। इन दोनों का ये जो था पास इसका यूज़ करते हैं तो देखो क्या मिलता है। तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए। देखिए थोड़ा आपके पास ये जो दो फॉर्मूले, इसका जो पहला ये जो दूसरा रूप, ये जो दूसरा फॉर्मूला लगा ना, इन दोनों का मैंने यूज़ किया, तो ये इसको मैं इस रूप में लिखता हूँ टू कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने क्या किया, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ए, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर टू ए तो टू ए का हाफ हुआ है, तो ऐसे यहाँ पर भी मैं जब अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर टू ए है तो यहाँ उसका आधा कितना हो गया ए, तो इसका भी आधा होगा तो कितना होगा थीटा बाय टू अपॉन, और नीचे वाले में ये फॉर्मूला हो तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। देखो जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये टू से टू कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, केवल के बच रहा है साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू, यानी कितना हो रहा है टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू। तो आपके पास बचा केवल कितना थीटा बाय टू। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास उसका सॉल्यूशन आपके पास मिल रहा है, जो क्वेश्चन था आपके पास वो था टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। ये प्राप्त हुआ थीटा बाय टू, मतलब आपकी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू। तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल रहा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, या आप लिख सकते हो वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये इसका सरलतम रूप आपके पास हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूले जो हैं, देखिए ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, इलेवंथ के हैं, ये टू थीटा वाले फॉर्मूले उनका यूज़ किया गया है। अब ध्यान देने की बात क्या है, सब्स्टिट्यूशन के दौरान दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो क्या है कि कुछ फॉर्मूले जैसे बन जाए और मतलब सिंप्लीफाई हो जाए इजीली अंदर वाला भाग, और जो अंदर बन जो बाहर जो इन्वर्स फंक्शन के रूप में है वही क्या बन जाए अंदर मेन फंक्शन के रूप में भी प्राप्त हो जाए। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आपके पास हैं, मैंने बता दिया आपके पास पाँच छः पाँच तक, तो आप मेरे ख्याल से पाँच तक क्वेश्चन ईजिली कर सकते, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास इस एक्सरसाइज के आपके पास और क्वेश्चन भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा आपके पास, और आपके पास इस प्रकार से ये एक्सरसाइज पूरी होगी तो आपके पास लगभग जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यही आपके पास है, और उसकी विविध भी करेंगे आपके पास, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करना, और ध्यान देना आपके पास आपको जब तक वो प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ वाला वीडियो जो मैंने इससे पहले आपके पास दिया यूट्यूब में डाला है उसको बार बार देखते रहें, और उसको फॉर्मूलों का चार्ट बना के उसको याद करें आपके पास, ठीक। ओके बाय।